हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ब्लूमिंग फ्लोरा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपने गार्डन में बिज़ी होंगे। बरसात का मौसम चल रहा है दोस्तों, और इस समय हम सभी के गार्डन में अलग अलग तरह के फ्लावर खिल रहे हैं। बरसात के पहले दोस्तों, गर्मी में ये पौधे गर्मी से बिल्कुल परेशान रहते हैं, बिल्कुल तपे रहते हैं, और जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं पौधे खुश हो जाते हैं और इसमें नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन फ्लावरिंग अच्छी पाने के लिए दोस्तों इसमें अलग अलग तरह का फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, और आज मैं इस वीडियो में एडिनियम के बारे में बात करने वाली हूँ। एडिनियम दोस्तों एपोसाइनेसी फैमिली का एक अच्छा पौधा है, ये महंगा भी है, और लेकिन ये पौधा ऐसा है दोस्तों, अगर आप अपने गार्डन में एक बार इसको ऐड कर लेते हैं तो ये लगभग साल भर फ्लावर देने वाला पौधा है, और इसके फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डेजर्ट माने रेगिस्तान में पाए जाने वाला पौधा, यानी इसको पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत अच्छी धूप में ये सर्वाइव करता है, और इसकी जो मिट्टी होती है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, और गार्डन सॉइल के अलावा इसमें रेत की मात्रा बहुत अधिक हो डालते हैं, तभी ये अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। और आप देख रहे हैं मेरे एडिनियम के पौधे में इस समय कितनी अच्छी तरह फ्लावरिंग हो रही है, और इस फ्लावरिंग को पाने के लिए दोस्तों देख रहे हैं फ्लावर ज़्यादा दिख रहे हैं, और इसमें जो इसकी लीव्स हैं आपको कम दिखाई दे रही होंगी, और इसके फ्लावर जो हैं दोस्तों 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। और फ्लावर जैसे कुछ हमारे गार्डन में होते हैं, जैसे हिबिस्कस है, अपराजिता है, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि फ्लावर खिलते हैं और उसी दिन मुरझा जाते हैं, लेकिन एडिनियम का फ्लावर ऐसा है दोस्तों कि खिलने के बाद लगभग 15 से 20 दिन तक ऐसे ही ताजे रहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि इस तरह से फ्लावरिंग पाने के लिए आप अपने एडिनियम में कौन कौन सी खाद दे सकते हैं। ये देखिए, मैं वैसे तो एडिनियम को बहुत खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फ्लावरिंग शुरू होने से पहले कुछ खाद इसको देना पड़ता है। जैसे ये देखिए, ये मैंने राइस हस्क लिया है, और ये नीम खली है, और ये DAP है, और ये है बोन मील जो कि एडिनियम को बहुत पसंद है। अब इन चारों को मैं मिला करके अपने एडिनियम को दूंगी। और खाद कोई भी देने से पहले दोस्तों मिट्टी आप लगभग 1 या 2 इंच मिट्टी हटा करके तभी उसके नीचे खाद दीजिए, जिससे कि पौधे इसका असर बहुत जल्दी होता है। और DAP तो खासकर देना जो होता है वो मिट्टी के अंदर ही DAP को दिया जाता है, मिट्टी के ऊपर ये नहीं दिया जाता है। इससे रूट सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है, और इसका एडिनियम का जो कॉर्डेक्स है वो भी मोटा होता है। और अगर आपके पास एडिनियम का पौधा है तब तो ठीक है, और नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या नर्सरी से भी ले सकते हैं। मेरे पास अभी 3 से 4 प्लांट देसी एडिनियम के हैं। इसके अलावा हाइब्रिड एडिनियम भी आता है, जिसका फ्लावर जो है मल्टी पेटल्ड होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है, लेकिन हाइब्रिड एडिनियम में फ्लावर उतने नहीं आते हैं जितने कि हमारे देसी एडिनियम में आते हैं। तो अभी मुझे हाइब्रिड एडिनियम का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जल्द ही मैं उसको भी लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करिएगा। देखिए, कोई भी खाद देने के बाद थोड़ा सा पानी दिया जाता है, लेकिन मैं ये देखिए मैंने
बनाना पील का इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है। पानी की जगह थोड़ा थोड़ा मैं इसी को दे रही हूँ। ये फॉस्फोरस रिच है जो कि इससे फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है। इसको चाहें तो आप पानी में डाइल्यूट करके ही दे सकते हैं। तो बाय बाय दोस्तों।